Honorable member, Sri Hanuman Beniwal ji. Sabhapati mahoday, sabse pehle to. Please conclude within the time. Please conclude within. Nahi, main to pehli baar bol raha hu sir, saath din mein aaya hi nahi. Only 3 minutes. Nahi, 3 minutes mein to chahiye mati bolao sir. Because number of speakers. We have to finish. Chalo to karna to. Line chuka diya aapne. Sabhapati mahoday, shuru karne se pehle hi aapne sahab chuka diya hamare ko batao. Jis baat pe aana chahte the, ye to chala gaya hai na. Sabhapati mahoday. आज कोरोना पे चर्चा हो रही है सदन के अंदर और मैं धन्यवाद दूंगा एनडीए की सरकार, एनडीए के हमारे नेता प्रधानमंत्री जी को, लोकसभा अध्यक्ष जी को, कि कोरोना काल के अंदर भी लोकसभा चला के दोनों सदन चले और एक संदेश दिया पूरे वर्ल्ड के अंदर कि आम आदमी अगर कोरोना के अंदर सांस ले सकता है तो हम सांसद, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तमाम, और अभी मेरे से पूर्व वक्ता जो दिल्ली से हमारे विदुड़ी जी ने बताया था कि गृह मंत्री जी तो यहाँ कोरोना के अंदर अस्पतालों का दौरा करके आए, हमारे मंत्री जो WHO के कार्यकारी अध्यक्ष भी बने, बधाई भी दी थी मंत्री जी को, ये भी लगातार, और सुनो, इन्होंने अच्छे प्रबंध किए मंत्री जी ने। सबद महोदय, पिछले 6 महीनों के अंदर इस कोविड ने पूरी दुनिया को हिला दिया और इस वायरस ने घुटनों के बल लाके प्रत्येक व्यक्ति को, गरीब से लेकर अमीर तक, हर व्यक्ति इस खौफ के अंदर है। हम तो इस कोरोना के दौर से गुजरे हैं, हमने देखा यहाँ के हमारे कई मंत्री, कई सांसद और कई विधायक, कई मुख्यमंत्री कोरोना की चपेट के अंदर आ गए। सबद महोदय, भारत, अमरीका, आपका जर्मनी, इंग्लैंड, जहाँ मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, और इंडिया के अंदर जब आया कोरोना तब लोग वर्ल्ड के अंदर ये कह रहे थे कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मौतें होगी, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को और हमारे हिंदुस्तान की जनता के साहस और हिम्मत को कि हर परिस्थिति का मुकाबला किया और हमारे यहाँ मौतों का आंकड़ा बहुत कम रहा। अमरीका ने हिंदुस्तान से, सभापति महोदय, अमरीका ने हिंदुस्तान से दवा मंगाई, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, और कम से कम 150 देशों को हमने दवा दी और हम फिर विश्व गुरु बन गए जो भारत पहले विश्व गुरु हुआ करता था। कोरोना के अंदर सारे वर्ल्ड ने लोहा मान लिया कि भारत, हमें भारत के अंदर जो होगा वो उसके हिसाब से। सबद महोदय, अपने डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ की, ब्राजील के राष्ट्रपति ने तारीफ की कि प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, राज्यों को बड़ा पैकेज दिया। सबद महोदय, दुर्भाग्य इस बात का है कि जहाँ विपक्षी सरकारें थी, पैकेज भी ले लिया और केंद्र के माथे ठीकरा फोड़ने का प्रयास भी किया, जिस तरह हमारे राजस्थान के अंदर, अब आप राजस्थान की बात करते हैं आप नाराज हो जाओगे क्योंकि आप भी कांग्रेस से आते हो। सबद महोदय, एक डेढ़ मिनट में बात करूंगा, हमारे वहाँ पे मौतों का आंकड़ा राजस्थान के अंदर इस तरह किया, 1704 मौतें हुई 3 दिवस पूर्व, एक जगह 1704 जो राजस्थान में मौत हुई उसका दे दिया 1293 और 411 मौत छुपा गए। दूसरा सबद महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर, जहाँ पे 4058 मरीज थे, स्टेट उन आंकड़ों को 3017 बता रहा है। सबद महोदय, कोरोना काल के अंदर राजस्थान की आम जनता तकलीफ के अंदर थी, पूरा देश तकलीफ में था, हमारी पूरी सरकार जैसलमेर के अंदर एक बजरी माफिया के होटल में, राजस्थान की सरकार ऐस मौज कर रही थी, वहाँ सारा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री वहाँ पे थे, ये राजस्थान की वानगी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सबद महोदय, प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लागू किया और उस लॉकडाउन के हिसाब से अगर स्टेट गवर्नमेंट चलती, पूरा देश चलता, तो कोरोना की ये भयावह हालात इस देश के अंदर नहीं होते। कई न कई राज्य सरकारों ने इसके अंदर इसको तुष्टिकरण की नीति अपनाने का काम भी किया। मैं किसी समाज विशेष के खिलाफ बात नहीं करूँगा, लेकिन 16 मार्च को एक मिनट साहब, ये तबलीगी जमात की जहाँ से बात आई थी, बिना परमिशन के तबलीगी जमात 23 मार्च को यहाँ पे साधमों में जो भाग गए थे, 24 मार्च को पुलिस ने उनको हटाया, इतनी बड़ी एक मिनट, तबलीगी जमात, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना खाली तबलीगी जमात से ही फैला, लेकिन 80% कोरोना तबलीगी जमात से ही देश के अंदर फैला है, 80%। अपने हिंदुस्तान की बात करें, सबद महोदय, Don't go any controversial, please continue. एक मिनट दे दो ना साहब।
मैं अब राजस्थान को छोड़ के वापस दिल्ली की तरफ आ रहा हूं साहब। सभा महोदय, हम लोगों ने जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि सांसद अपने अपने एक माह का वेतन, प्रधानमंत्री अलग से इन्होंने फंड बनाया प्रधानमंत्री सहायता कोष के नाम से अलग से कोविड के लिए, और मैंने सभापति महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर 50 लाख रुपए इमीडिएट वेंटिलेटर के लिए, N95 मास्क पीपी किट के लिए मार्च के अंदर ही हाथों हाथ 50 लाख स्वीकृत किए और एक महीने के अंदर सारे वेंटिलेटर और सारा सामान खरीद के पीएचसी सीएससी पे पहुंचा दिया। सभापति महोदय, इस मामले के अंदर अब हमें सोचना है कि एक मिनट लूंगा साहब, चाइना जो सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति चाइना की मजबूत थी, आज वुहान से जो वायरस निकला और वर्ल्ड में चाइना की बहुत बड़ी इज्जत खराब हुई है, वहां से लोग अपना निवेश का पैसा निकालना चाहते हैं, वहां से उद्योगपति भाग रहे हैं, तो कहीं ताइवान और जापान उनको अपनी तरफ नहीं खींचे, इंडिया को उन उद्योगों को अपने यहाँ पे कैसे निवेश करें, इंडिया को अलग से एक मंत्रालय बनाना चाहिए इस मामले का, जो विदेश से ज्यादा बड़े उद्योगपतियों को इंडिया के अंदर निवेश करें।